बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी ये वीडियो होने वाली है और आपके गांव में भी ऐसा होता होगा। ठीक है, आप वीडियो पर बने रहिए, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ ये मेड़ है जो ये बिल्कुल यहाँ ये दूसरे का खेत है और यह भी दूसरे का खेत है, बीच में मेड़ है, इसी पर से ये आते और जाते हैं। पानी अगर बारिश हो जाती है तो बिल्कुल ये भर जाता है, फिर भी इसी में से हल्के इनको जाना पड़ता है। ये देखिए, चलिए इनके घर पे अभी इनसे बात भी करते हैं, आपको पूरी सच्चाई जो है पता चलेगी। दोस्तों, ये हैं इस्माइल भाई, इनका घर है नावन खुर्द, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। इनको अपना घर छोड़े हुए लगभग 20 साल हो गया है और ये 15 साल 16 साल तक ये दूसरे के घर में रहे, कभी इनके घर कभी उनके घर। चलिए इन्हीं के जुबानी इनकी कहानी को सुनते हैं। मतलब माने तू घर छोड़ दिया, घर वाले आए ना तू हम मनाओ है लड़के, मतलब आज जवान हो गए हैं, कमाते हैं अच्छा खासा पैसा, तो तू है देते कि नहीं बेटे को? कई लड़के हैं भैया, पांच मेरा है, पांचों कमाते हैं? हां पांचों, पांचों, अच्छा पांचों कमाते हैं, पांचों कमाते हैं अपने, बताओ मतलब क्यों ध्यान नहीं दे? नहीं बताइए, इनके पांच बेटे हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर कहा जाए यूँ कि इनके पास देखने में समंदर तो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बेचारे प्यासे बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनके साथ में जो ये बैठी हुई हैं, इनकी बहन है और इनकी शादी हुई थी, रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, इनका तलाक हो गया और ये अपने भाई और अपने भौजाई के साथ अपने नैहर में ही रहती थी। जब इस्माइल भाई का इनकी बीवी से जब झगड़ा हुआ, और एक बार नहीं बार बार हुआ इनके बताने के हिसाब से, ये इन्होंने कहा, इन्होंने बताया कि मेरी बीवी का जो है व्यवहार हमारे साथ और हमारे बहन के साथ अच्छा नहीं रहता था और वो बिल्कुल नाफरमान थी, इसलिए हमने फैसला किया कि अब यह घर जो है हम छोड़ ही दें तो बेहतर है। तो इन्होंने फैसला किया कि अगर हम अकेले ही घर छोड़ते हैं तो हमारी बहन को जो है ये लोग बिल्कुल सताएंगे और परेशान करेंगे, तो इसलिए इस अपने बहन को ये जो है साथ में लेकर निकल पड़े और 15-16 साल जो है ये दूसरे के घर में रहे। अब इस समय जो है छोटा सा आवास है, इसी में रह रहे हैं, किसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। चलिए और आगे की कहानी इनसे जानते हैं। ये बताओ भैया, जैसे आज के डेट में गांव से तो आप दूर हैं, ठीक है, तो आज के डेट में कहा गांव वाले और केहू आए के आपकी मदद के हो करत है के हो पैसा कौड़ी या घर में काव है काव नाए है के हो के हो ये आवत ना है ना, ये ना ही। अब मतलब कमो नहीं कह पोता तू सब ना। अभी तो आपने सुन ही लिया है कि गांव का कोई नहीं आता है इनकी मदद के लिए, जो कि ये बगल में ही ये बड़ा गांव है जिसमें इनका पुराना घर है, इसी गांव में इनका पुराना घर है, तो तमाम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये किस सिचुएशन में है कि नहीं जानते हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। जो कि इस गांव में बहुत पैसे वाले, ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं कि अगर चाहें तो इनकी अच्छी खासी मदद कर देंगे ताकि ये इनको जो है इनकी कुछ समस्या दूर हो सके। बस बहुत ज़्यादा हमको नहीं बनाना है वीडियो, क्योंकि बड़ी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि इनकी कुछ मदद हो। भैया ये अपना रखिए, अपने घर में राशन पानी जो है इससे भरवा लीजिएगा और फिर हम आएंगे, फिर आएंगे, आपकी समस्या जो होगी हमें बताइएगा, जहां तक हो सकेगा हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और आगे तक भेजिएगा।